राम राम जी भाई साहब। इस टाइम ये भी फोटो इस बंदे का भाई बाहर लेकर नहीं ले आवांगे मैं खुले में इसकी मुंडी साइड में बैठ रहेगी इस साइड में और दोस्तों सांप आपको भी दिखाई दे चुका है और हमें भी दिखाई दे चुका है। एक फनियर है नाग जिसको बोलते हैं और हम पहुंचे हैं जिला करनाल और सालवन के पास है गांव कुड़लन। कुड़लन के अंदर बिल्कुल ब्लैक यानी कि उत्तर भारत का कोबरा जिसको बोलते हैं। भाई पढ़े लिखे आदमी का परिचय दो कंजर ना बनो। एक बार चांदने हम ऐसा सांप काट गया था आपके गांव में डेथ हो गई थी जो सालों रोड पर आराम कर का खेत है ना भैया देवे हाँ पटपा काट गया था। दूसरा बंदा देखा एकदम पकड़ के खींचा उसने पता भी नहीं तेरा काट गया। अगर ये सांप काट गया ना एक घंटे तक फालतू टाइम नहीं देगा और जो बंदा हॉस्पिटल पहुंच गया था ठीक पर जो जड़ी बूटी के चक्कर में फंस गया उल्टी लगवाओ दस लाओ घी पियाओ उसका राम नाम से ये टाइम नहीं देगा। इसका सिर्फ इंजेक्शन होगा इंजेक्शन लगेगा तो बचेगा। देखा कितना खड़ा है देख ले भाई तुम न्यूगा दे न्यू करते न्यू करते कितना कर मैंने तो देखा पहला जिंदगी में खतरनाक देखे नहीं था बना गई ये देख पीछे न्यू कर बना है ये मेरा आपका है ना जो जो आपका सलून वाला एरिया है ना उसमें मिला है कुड़लान का जो सालोन का एरिया कुड़लान का और सालोन की सीम लगा ना सालोन के लड़के का भी काट गया था गिरी डोलवा डेथ हो गई पिछले साल। नींद कुंजी एक घंटे में पलक गिर जाएंगी आवाज रुक जाएगी सांस में दिक्कत आ जाएगी। और दोस्तों हम पहुंचे हैं जिला करनाल सालोन के पास गांव कुड़लान और एक स्पेक्टिकल्ड कोबरा को हमने सकुशल अभी पकड़ा है और इसको डाल लेते हैं जल्द ही इसको जंगल में छोड़ देंगे और बड़ा खतरनाक जहरीला सांप है। रात का वक्त है और इस समय इसके बाइट के समय होता है जब थोड़ा थोड़ा अंधेरा होता है तब भी और जब सुबह थोड़ा थोड़ा उजाला होता है तब भी। पाडा गांव में काट गया था एक को सुबह 5 बजे जोरा था एक जोरा जसवीर नाम था डेथ हो गई थी उसकी हाँ पहला काट गया था कोबरा ही था टाइम पे इलाज हो जाए सारे बच्चे जी मेरा भी ध्यान इसी में जी उदामा है तो उदामा है कि कत ही नाटेगा इसकी उम्र लगभग इसकी 7-8 साल उम्र हो गई। टोटल उम्र कितनी होगी इसकी 22-23 साल 24 साल हो ही जाओ कोबरा की आज ही पकड़वा दे अगले महीने बर्थडे था इसका और ना बताओ ठीक है दोस्तों इसको सैकुशल काबू कर लिया और रात का वक्त है और सुबह इसको जंगल में छोड़ देंगे।
इस कारण देवी फोटो इस बंदे का भाई बाहर लेकर नहीं ले आवांगे ना खुले में इसकी मुंडी साइड में बैठ रहेगी इस साइड में और दोस्तों सांप आपको भी दिखाई दे चुका है और हमें भी दिखाई दे चुका है। एक फनियर है नाग जिसको बोलते हैं और हम पहुंचे हैं जिला करनाल और सालवन के पास है गांव कुड़लन। कुड़लन के अंदर बिल्कुल ब्लैक यानी कि उत्तर भारत का कोबरा जिसको बोलते हैं। भाई पढ़े लिखे आदमी का परिचय दो कंजर ना बनो। एक बार चांदने हम ऐसा सांप काट गया था आपके गांव में डेथ हो गई थी जो सलून रोड पर राम कुमार का खेत है ना भैया देवे पटपा काट गया था। दूसरा बंदा देखा एकदम पकड़ के खींचा उसने पता भी नहीं तेरा काट गया। अगर ये सांप काट गया ना एक घंटे तक फालतू टाइम नहीं देगा और जो बंदा हॉस्पिटल पहुंच गया था ठीक पर जो जड़ी बूटी के चक्कर में फंस गया उल्टी लगवाओ दस्त लाओ घी पियाओ उसका राम नाम से यू टाइम नहीं देगा इसका सिर्फ इंजेक्शन होगा। इंजेक्शन लगेगा तो बचेगा। देखा कितना खड़ा है देख ले भाई तुम न्यूगा दे न्यू करके न्यू करके कितना खड़ा है तो मैंने तो आज देखा पहला जिंदगी में बड़ा है देखा नहीं था ओपना गयो ये देख पीछे न्यू करके हां बाबा ये मेरा मेरा हां आपका है ना जो जो आपका सलून वाला एरिया है ना उसमें मिला कुड़लान का जो सलून का एरिया कुड़लान का और सलून की सीम लगा ना सलून के लड़के का भी काट गया था बिल्कुल जी एक घंटे में पलक गिर जाएगी आवाज रुक जाएगी सांस में दिक्कत आ जाएगी। और दोस्तों हम पहुंचे हैं जिला करनाल सालवन के पास गांव कुड़लन और एक स्पेक्टिकल्ड कोबरा को हमने सैकुशल अभी पकड़ा है और इसको डाल लेते हैं जल्द ही इसको जंगल में छोड़ देंगे। और बड़ा खतरनाक जहरीला सांप है रात का वक्त है और इस समय इसके बाइट के समय होता है जब थोड़ा थोड़ा अंधेरा होता है तब भी और जब सुबह थोड़ा थोड़ा उजाला होता है तब भी। पाडा गांव में काट गया था एक को सुबह 5 बजे जोरा था एक जोरा जसवीर नाम था डेथ हो गई थी उसकी पहला काटा था कोबरा ही था बच भी जाओ एक आधा टाइम पे इलाज हाँ टाइम पे इलाज हो जाए सारे बच्चन जी मेरा भी ध्यान नहीं मैं जी उदामा है तो उदामा है कितना ही नाटेगा इसकी उम्र लगभग इसकी 7-8 साल उम्र होगी। टोटल उम्र कितनी होगी इसकी 22-23 साल 24 साल हो ही जाओ कोबरा की आज ही पकड़वा दे अगले महीने बड्डे था इसका और न बताओ कर लेगा ठीक है दोस्तों इसको सैकुशल काबू कर लिया और रात का वक्त है और सुबह इसको जंगल में छोड़ देंगे।
पा रही हूँ। हेलो,